सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग, जैसे कि आप लोग अपना स्क्रीन में देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करते हो तो आप भी इजीली कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग कर पाओगे। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना फ़ोटो को लाइटरूम मोबाइल में ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करने के बाद अपना फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस लाइट वाला टूल में जाना है। इस लाइट वाला टूल में जाने के बाद यहाँ से इसका कॉन्ट्रास्ट को अराउंड 47 के आसपास रख देंगे, हाईलाइट को -28 के आसपास रख देंगे, फिर इसका शेडो को 40 के आसपास रख देंगे, फिर इसका यहाँ से ब्लैक्स को -57 के आसपास कर देंगे, फिर यहाँ से इसका वाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे 34 के आसपास। इतना कर लेने के बाद अभी इस कलर टूल में आना है। कलर टूल में आने के बाद इसका वाइब्रेंस को अराउंड 60 के आसपास बढ़ा देंगे, फिर इसका टिंट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे -15 के आसपास। फिर यहाँ से इसको मिक्स टूल में जाना है। मिक्स टूल में जाने के बाद यहाँ से ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है। ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका लुमिनेंस को बढ़ा देंगे, फिर इसका सेचुरेशन -10 के आसपास कर देंगे। फिर आना है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में आने के बाद इसका ह्यू को पूरा बढ़ा देंगे 98 के आसपास, इसका सेचुरेशन को 80 के आसपास बढ़ा देंगे। फिर इस वाले कलर में आना है, इसका सेचुरेशन पूरा माइनस कर देंगे, ह्यू पूरा बढ़ा देंगे यहाँ से 92 के आसपास। फिर यहाँ से सियन कलर में आना है। सियन कलर में आने के बाद इसका ह्यू को पूरा माइनस कर देंगे, पूरा नहीं 75 के आसपास कर देते हैं। फिर इसका सेचुरेशन को 34 के आसपास कर देना है। फिर आना है ब्लू कलर में। ब्लू कलर में आने के बाद इसका सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ह्यू को 24-25 के आसपास रख देंगे, फिर लुमिनेंस को -6 में कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से इसको डन करते हैं। डन करने के बाद यहाँ से शेयर वाला में क्लिक करेंगे यहाँ से, फिर फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद उस फोटो को यहाँ से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद यहाँ से प्लस आइकन में जाना है, फिर सेम फोटो को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद फिर से यहाँ से कलर वाला टूल में आते हैं। फिर यहाँ से इसका वाइब्रेंस को यहाँ से बढ़ा लेंगे अराउंड 46 के आसपास। फिर यहाँ से इसका मिक्स टूल में आते हैं। मिक्स टूल में आने के बाद ग्रीन कलर को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसका ह्यू को पूरा बढ़ा देंगे, पूरा 100 बढ़ा देंगे। फिर इसका सेचुरेशन यहाँ से 60-63 के आसपास कर देंगे। फिर इसका लुमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 20 के आसपास। फिर आना है सियान कलर में। सियान कलर में आने के बाद इसका ह्यू को देखेंगे, इसको अभी बढ़ा देते हैं 40 के आसपास। फिर इसका सेचुरेशन यहाँ से थोड़ा सा माइनस कर देंगे -13 के आसपास। फिर आना है येलो कलर में, इसका ह्यू को पूरा बढ़ा देंगे। फिर आते हैं ब्लू कलर में। ब्लू कलर में आके इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, फिर सेचुरेशन यहाँ से थोड़ा सा माइनस कर देंगे। इतना कर लेने के बाद इसको यहाँ से डन करते हैं। डन करने के बाद अभी यहाँ से नीचे आना है इस वाले टूल में, इस प्रोफाइल वाले टूल में आना है। प्रोफाइल वाले टूल में आने के बाद यहाँ आर्टिस्टिक 3 को सेलेक्ट करना है, सॉरी 4 को सेलेक्ट करना है। यहाँ से 4 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देख सकते हो इसका ओपेसिटी, यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे अराउंड 120 के आसपास बढ़ा देते हैं। इसको इतना बढ़ाने के बाद यहाँ से इसको राइट कर देंगे। राइट करने के बाद देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना मस्त टोन में आ चुका है अपना फ़ोटो। फिर आना है यहाँ से इस वाले टूल में, कलर टूल में। कलर टूल में आने के बाद इसका टिंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे +1 के आसपास,
फिर इसका टेम्परेचर को माइनस कर देंगे थोड़ा सा, -1 के आसपास। इतना हो जाने के बाद फिर से मिक्स टूल में आते हैं। मिक्स टूल में आने के बाद यहाँ से इस ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करके इसका ह्यू को देखेंगे, थोड़ा सा माइनस कर देंगे। फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देंगे, फिर इसका लुमिनेंस यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। इतना हो जाने के बाद इसको यहाँ से डन करते हैं। फिर आते हैं यहाँ से नीचे इस वाले टूल में। इस वाले टूल में आने के बाद इसका क्लियरिटी यहाँ से बढ़ा देंगे। देख सकते हो फोटो का क्लियरिटी बढ़ गया है। फिर आना है इसका विग्नेट को, यहाँ से थोड़ा सा माइनस कर देंगे अराउंड -25 के आसपास। फिर इसका यहाँ से फेदर को यहाँ से बढ़ा देंगे 80 के आसपास। फिर आना है इस वाले टूल में, यहाँ से इस फोटो का शार्पनिंग बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से इसका नॉइज रिडक्शन बढ़ा देंगे। फिर कलर नॉइज रिडक्शन बढ़ा देंगे। फिर देख सकते हो अपना फ़ोटो बन के रेडी हो चुका है। इतना कर लेने के बाद फ़ोटो को यहाँ से शेयर वाला में क्लिक करके फ़ोटो को यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देंगे।